जय माता दी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ श्री सत्यनारायण व्रत कथा। और ये व्रत कथा इस प्रकार है, श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में श्री सत्यनारायण व्रत कथा पहला अध्याय। एक समय की बात है, नेमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलिकाल में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बतलाई जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्व शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसा श्रेष्ठ व्रत आप लोगों को बतलाऊंगा जिसे नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा लिए अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुंचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए कि जिससे करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहां वह देवों के ईश नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्य थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं, उसे निसंकोच कहो। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्युलोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हुए बताइए कि वो मनुष्य थोड़े से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मुंह से छूट जाता है, वह बात मैं तुमसे कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्गलोक और मृत्युलोक में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोगकर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का क्या फल है और इसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से बतलाइए। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला यह है, सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला, मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म पारायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया लें। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर, गुड़ तथा सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। इस कलिकाल अर्थात कलियुग में सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वहीं विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर गया। भूख प्यास से दुखी वह लकड़हारा व्रत को देख विप्र को नमस्कार करके पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपा करके मुझे बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण व्रत है, इसकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र ने सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर वे प्रसाद खाने के बाद अपने घर गया। लकड़हारे ने मन ही मन संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचकर जो भी धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस तरह का विचार ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उसे नगर में बेचने को चला गया, जहाँ धनी लोग रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से चार गुना अधिक मिला। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्री लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के
समस्त सुख भोग अंत में वैकुंठ धाम में चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का द्वितीय अध्याय संपूर्ण हुआ। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। सूर्य जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रीय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था और निर्धनों को धन देकर उसके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु का नाम एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सारा धन था। राजा को व्रत करते देख वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्तिभाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सोने की इच्छा रखता हूँ, जो आप मुझे बतलाइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए महान शक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का मैं पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपकी कथा के अनुसार मैं भी इस व्रत को करूंगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत को वर्णन करके कह सुनाया। कहा, जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। दसवें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। इसके बाद एक दिन लीलावती ने स्वामी से मधुर वाणी में कहा, आप पूर्व में संकल्पित श्री सत्यनारायण के व्रत को क्यों नहीं कर रहे? साधु बोला, प्रिय, इसके विवाह के समय व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त कर वह व्यापार करने के लिए शहर की ओर चल दिया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। तदंतर धर्मा के साधु ने नगर में सखियों के साथ कीड़ा करती हुई अपनी कन्या को विवाह के योग्य देखकर आपस में मंत्रण करके कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो ऐसा दूत से कहकर शीघ्र ही उसे भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त कर दूत कांचन नामक नगर में गया और वहां से एक मणिक का पुत्र लेकर आया। उस साधु ने उस मणिक के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति के लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित हो विधि विधान से वणिक पुत्र के साथ कन्या का विवाह कर दिया। उस समय वह वनिया साधु दुर्भाग्यवश भगवान का वह उत्तम व्रत करना भूल गया। पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय में व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार कर्म में कुशल व साधु बनिया काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रतन सारपुर नामक सुंदर नगर में गया और उसने श्री संपन्न दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा। उसके बाद वह राजा चंद्रकेतु के रमणीय नगर में भी गए। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण ने उन्हें भ्रष्ट प्रतिज्ञा देखकर इसे दारुण कठिन और महान दुख प्राप्त होगा यह शाप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुराकर वहीं आया जहां दोनों वणिक स्थित थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयभीत से धन वहीं छोड़कर शीघ्र ही छिप गए। इसके बाद राजा के दूत वहां आ गए और जहां साधु और वणिक थे वहां राजा के धन को देखकर वे दूत उन दोनों वणिक वणिकों को बांधकर ले गए और हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले, प्रभु, हम दो चोर पकड़कर लाए हैं, इसे देखकर आप आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से दोनों शीघ्र ही दृढ़तापूर्वक बांधकर बिना विचार किए महान कारागार में डाल दिए गए। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों को धन भी ले लिया। भगवान के श्राप से बनिक के घर में उनकी भार्या भी अत्यंत दुखित हो गई। उनके घर में सारा का सारा जो धन था वह चोर चुरा कर ले गए। लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं से युक्त भूख और प्यास से दुखी हो अन्य की चिंता से दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन भूख से पीड़ित कलावती ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने श्री सत्यनारायण के व्रत और पूजन देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर घर गई। माता ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्री, रात में तुम कहाँ रुक गई थी? तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, माँ,
मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा। कन्या की इस बात को सुनकर वह वणिक की भार्या व्रत करने को उद्यत हुई और प्रसन्न मन से उस साध्वी ने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया और इस प्रकार प्रार्थना की कि भगवान आप हमारे पति एवं जमाता के अपराध को क्षमा करें। वे दोनों अपने घर शीघ्र आ जाएं। इस व्रत से भगवान श्री सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए तथा उन्होंने नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया और स्वप्न में कहा कि नृपश्रेष्ठ प्रातः काल दोनों वणिक को छोड़ दो और वह सारा धन भी दे दो जो तुमने इनसे लिया है, अन्यथा राजा धन पुत्र एवं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा से स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान श्री सत्यनारायण अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद प्रातः काल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा में बैठकर अपना स्वप्न लोगों को बतलाया। कहा दोनों बंदी वणिक पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर वे राजपुत्र दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने लाकर विनय पूर्वक बोले, महाराज बेड़ी बड़ी उनसे मुक्त करके दोनों वणिक पुत्र लाए गए हैं। इसके बाद दोनों महाजन नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने पूर्व वृतांत का स्मरण करते हुए भय भयान हो गए और कुछ न बोल सके। राजा ने वणिक पुत्रों को देखकर आदर पूर्वक कहा, आप लोगों को यह महान दुख प्राप्त हुआ है, इस समय अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर उनकी बेड़ी खुलवाई गई, शौर शर्म आदि कराया गया। राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन्हें मणि पुत्रों को संतुष्ट किया और सामने बुलाकर वाणी द्वारा अत्यधिक आनंदित किया। पहले जो धन लिया था उसे दूना करके दिया। उसके बाद राजा ने पुनः उनसे कहा, साधु अब आप अपने घर की ओर जाएं। राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं। ऐसा कहकर उन दोनों महावैश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। चौथा अध्याय। श्री शूत जी बोले, साधु बनिया मंगल चारण कर और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल चल। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान श्री सत्यनारायण की उनकी सत्यता की परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई, साधु तुम्हारी नाव में क्या भरा है? तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, दंडिन क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते आदि भरे हैं। ऐसी निश्चल वाणी सुनकर तुम्हारी सच हो जाए, ऐसा कहकर दंडी सन्यासी रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उतरी हुई अर्थात जल में ऊपर हुई उठी हुई नौका को देखकर साधु अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर वणिक बड़ी चिंतित हो गया। तब उसने दामाद से इस प्रकार कहा, आप शोक क्यों करते हो? दंडी ने शाप दिया है, इस स्थिति में वे ही चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है, अतः उन्हीं की शरण में हमें चलना चाहिए, वही मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह साधु बनिया उनके पास गया और वह दंडी को देखकर उनसे भक्तिपूर्वक प्रणाम करके कहने लगा, आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा है असत्य भाषण रूप अपराध किया है, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारम्बार प्रणाम करके वह महान शोक से व्याकुल हो गया। दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, हे मूर्ख रो मत, तेरी बात सुनो, मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुन वह उसकी स्तुति करने लगे। साधु ने कहा, हे प्रभु यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों और रूपों को यथावत रूप से नहीं जान पाते, फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा जो नौका में स्थित पूरा धन था उसकी तथा मेरी रक्षा करें। उस बनिया की भक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि उसी अभीष्ट वर प्रदान करके वहीं अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और उसे धन धान्य से परिपूर्ण देख भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया, ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधि पूर्वक पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को प्रत्यय पूर्वक संभाल कर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु बनिया ने अपने दामाद से कहा, वह देखो मेरी रतनपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए नगरी में भेजा। उसके बाद उस दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को देख हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अभिष्ट बात कही, सेठ जी अपने दामाद और बंधु बांधवों के साथ बहुत सारे धन धान्य से संपन्न होकर नगर की ओर पधार रहे हैं। दूत
के मुख से यह बात सुन वह महान आनंद से विहल हो उठी। उस साधवी श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग कर वह कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए दौड़ी चल पड़ी। इससे भगवान श्री सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उनके पति को तथा नौका को धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को ना देख महान शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का आदर्शन तथा कन्या का अत्यंत दुखद देख भयभीत मन से साधु बनिया सोच रहा था कि यह क्या आश्चर्य हुआ है। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। तदंतर वह लीलावती कन्या को देखकर विहल हो उठी और अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोली, अभी अभी नौका के साथ वह कैसे अलक्षित हो गया। ना जाने किस देवता की उपेक्षा से वह नौका हरण कर ली गई है, अथवा श्री सत्यनारायण का महात्म कौन कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह स्वजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर उसका अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देखकर भार्या सहित वह धर्म के साधु बनिया अत्यंत शोक संतप्त हो सोचने लगा कि भगवान श्री सत्यनारायण ने यह अपहरण किया है अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा, सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे दोनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई, निश्चय ही इसी कारण से उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके वह पुनः आए तो साधु बनिया तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त कर लेगी, इसमें संशय नहीं है। कन्या कलावती भी आकाश मंडल से ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र ही घर गई और उसने प्रसाद ग्रहण किया। पुनः आकर स्वजनों तथा अपने पति को देखा, तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, अब तो घर चले विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की बात सुन वणिक पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करके धन तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर गया। तदंतर पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्वों पर भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोगकर अंत में वह सत्यपुर वैकुंठ लोक में चला गया। पांचवा अध्याय। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद में दूसरी कथा कहता हूँ, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंग ध्वज नामक एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके बड़ा दुख प्राप्त। एक बार वह वन में जाकर और वहाँ पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखकर भी अहंकार वश हुआ तो वहाँ गया और वहाँ उसने भगवान श्री सत्यनारायण भगवान को प्रणाम किया। पूजन के बाद भी सभी गोपगण भगवान प्रसाद लेकर राजा के समीप आकर खड़े हो गए और इच्छा अनुसार सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा का प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख हुआ। उसका संपूर्ण धन धान एवं सभी स्वपुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में यह निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान श्री सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहां जाना चाहिए जहां श्री सत्यनारायण का पूजन हो रहा है। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा किया। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन धान पुत्रों से संपन्न हो गया और इस लोक में सभी सुखों को भोगकर उपभोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण व्रत को करता है, वह पुण्य मई तथा फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति पूर्वक होकर सुनता है, उसे भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से धन धान आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात इतना संशय नहीं है। इस लोक में वह सभी फलों का भोग करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को चला जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान श्री सत्यनारायण व्रत के बारे में कहा, इसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलिकाल में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल देने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कुछ ईर्ष कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण के नाम से जानते हैं। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण करके सभी की मनोरथ पूर्ण करने वाले होते हैं। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान श्री सत्यनारायण की व्रत कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं।
हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान श्री सत्यनारायण व्रत व्रत किया था उसके अगले जन्म का वृतांत में कहता हूँ, आप सब लोग सुने। महान प्रज्ञा संपन्न सतानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और अपने उस जन्म के भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारा भिल्ल गुहों का राजा हुआ और उसने अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए जिन्होंने श्री राम जी की पूजा करके अंत में वैकुंठ को प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यवती साधु जिसने पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नामक राजा हुए उसने आर्य से चीरकर अपने पुत्र की आदि देव भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज जन्म जन्मांतर से स्वयं भू मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे सब जन्म जन्मांतर में वज्रमंडल के निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त किया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में श्री सत्यनारायण कथा का यह 5वां अध्याय पूरा हुआ। वेदों के अनुसार सत्यनारायण कथा करने से हजारों वर्षों के यज्ञ के बराबर फल मिलता है। सत्यनारायण कथा को सुनने से भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार सत्यनारायण कथा को सुनने वाले को उपवास अवश्य करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि श्री हरि विष्णु इससे जीवन की सभी समस्याओं को दूर करने में सक्षम है। स्कंद पुराण के अनुसार सत्यनारायण भगवान विष्णु का स्वरूप है। कहा जाता है कि ऐसी स्थिति में सत्यनारायण कथा सुनने अथवा करने से भगवान विष्णु भक्त पर कृपा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह किसी के जीवन में सुखी और शांति लाता है। और इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा समाप्त हुई।